मंत्री साहब, माननीय बीजेपी प्रेसिडेंट साहब, माननीय सांपला साहब, माननीय एमएलए साहब, बीजेपी के कार्यकर्ता जी, थोड़ा थोड़ा सा रैली करना चाह रहे हो, यदि परमिशन तो नहीं लेते गए मनोरंजन कालिया जी, केडी भंडारी जी, महेंद्र भगत जी, जिला अध्यक्ष सुशील जी और एससी मोर्चा दे सब कार्यकर्ता मित्रों, आज तुसी एक सफल आयोजन जड़ा है एससी मोर्चे दे भाईचारे नूं न्याय दवान लई शुरू कीता है। ये ठीक है कि अमरिंदर दी सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया और पुलिस के बल प्रयोग करके, सरकार का दुरुपयोग करके आप जी की इस रोष यात्रा नू गिरफ्तार कर लिया और इदे नाल तुहाडा जोश घटना नहीं चाहिए, जोश बदना चाहिए और एससी मोर्चा उदों तक लड़ाई लड़ता रहेगा जदों तक एससी भाईचारे नू इंसाफ नहीं मिलता। वो बच्चे और बच्चियां जिन्हां दा वजीफा धर्म सोध खा गया, जब तक एक एक पैसा नहीं निकलेगा, सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होएगी, एससी मोर्चा संघर्ष करेगा और एससी भाईचारे नाल जिहड़ा अलग अलग जगह के उत्ते नजायज हो रही है उहदी भी आवाज़ एससी मोर्चा हमेशा बुलंद करेगा। तुसीं इस आयोजन नूं सफल किया सब ने और गिरफ्तारी दिती, इहदे लई मैं आप सब का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ और किसी ने भी हुण अमन और शांति नाल जाना और पूरी तरह नाल कोई भी साडे वालों कोई नहीं, आही बड़ी डिसिप्लिन पार्टियां अमन और शांति नाल अपनी गल कहना चाहते हैं, लेकिन एक गल समझ लेना, एससी मोर्चे को सरकार डर गई, बंदा आवाज भी नहीं बंद कर रहा। इन्होंने सवेरे पूरे दे पूरे जलंधर नूं किला बनाता, एससी मोर्चा दे कार्यकर्ताओं दी गड्डियां नूं ग्राउंड च नहीं आता और कार्यकर्ता दो दो तीन तीन किलोमीटर बाहर गड्डियां लगा के उत्तक पुज्या
और उन्हां नूं पुज्जन नहीं दिता। अरे अगर सरकार इन्नी वधिया है लोकतंत्री तरीके नाल मार्च निकल जांदा तां तां की हुंदा, लेकिन क्योंकि उन्हां नूं लगदा ऐसी मोर्चा जिहड़ा वो एक जन जागरण पैदा करेगा ऐसी समाज च, सरकार ने डरदे मारे इहदा प्रयोग कीता। प्रेस ने सब देखिया किस प्रकार बल का प्रयोग होया, किस प्रकार धक्का मुक्की हुई, किस प्रकार साडे नेतावां नूं गिरफ्तार किया गया, किस प्रकार रोस मार्च नूं अग्गे नहीं बदन दिता गया। मैं प्रेस दे मीडिया का भी सब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। तुसीं भी सवेर तो इस सारे ही रोस प्रदर्शन नूं देखिया, लेकिन ये सरकार अपना दायित्व भुल गई है। दो तरह का मापदंड अपना रही है, बीजेपी की आवाज़ रोकनी है, बीजेपी लिए कानून है, बाकी किसी लिए कोई कानून नहीं है। ये सरकार का रवैया। धन्यवाद। अगे एससी मोर्चे के सब बड़े नेता बैठ के अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लैश हो सकता है इस करके जो है रोक लिया गया, कांग्रेस कह रही है कि फ्लैश हो सकता है रस्ते दे विच किसानां दे नाल, इस करके इत्थे रोक लिया गया। अच्छा अच्छा, मैनूं दसो कानून व्यवस्था बनाना किसकी जिम्मेवारी है? सानू परमिशन दे के साडी परमिशन कैंसल करदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों, अज वो बहाना मारते हैं कि तुहाडी परमिशन नहीं सी जी, प्लान नहीं सी, ये सब बहानाखोरी है। केवल और केवल ऐसी समाज की आवाज़, ऐसी मोर्चा बीजेपी ने उठाई है, उस आवाज़ नूं बंद करना है, इस करके बहानेबाजी ले जा रही है। असीं इन्हां नूं 3 दिन पहला इन्फॉर्म कर चुके सी। धन्यवाद।